तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और कमाल के एक नए फीचर के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है। बहुत लोगों को इस फीचर की जरूरत थी और ये फाइनली रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों होता क्या था, हमें अगर कभी कोई ऐसे मैसेज या बोल सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, हमें कोई मैसेज को लिख के रखना हो, लोग क्या करते हैं अपने आप को ही मैसेज करना चाहते हैं कि यार मैं लिख के रख लेता हूँ, बाद में ये काम आएगा। तो आप क्या करते थे, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में एक फ्रेंड को ऐड करा, बाद में उस फ्रेंड को वहाँ से रिमूव कर दिया और बाद में आप उसको अपने पर्सनल नोट्स की तरह यूज़ कर सकते थे। अब क्या हो गया है, व्हाट्सअप ने एक नया फीचर रोल आउट कर दिया गया, आप अब अपने आप को ही मैसेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ये नया फीचर है, कैसे इसको यूज़ करेंगे आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में जिसका नाम है सेंड मैसेज टू योर सेल्फ। इस फीचर का नाम है सेंड मैसेज टू योर सेल्फ। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए है, अगर आप बीटा यूजर नहीं है तो भी अपने व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे तो आपको लेटेस्ट फीचर तभी मिलेंगे। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर को तो कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही इसको यूज करते थे हम ग्रुप बना के और अपने आप को मैसेज करके उसका यूज करते थे। बट अब उसमें लेटेस्ट फीचर दे दिया गया। उसके लिए आपको जाना होगा या 3 डॉट्स, यहाँ जाना होगा आपको चैट्स वाले ऑप्शन पे। चैट्स पे जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको चैट्स मिल जाएगी, आपको दिख रहा होगा मी यू और नीचे भी लिखा होगा मैसेज योर सेल्फ करके आपको दिख रहा होगा, ये लेटेस्ट दिया गया। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने जाएंगे तो भी आपको दिखेगा मी योर सेल्फ है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर अवेलेबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज करेंगे वो डायरेक्टली आपके पास ही जाएगा और वो डायरेक्ट सीन भी होता जाएगा। आप देख रहे हैं फट से सीन भी होता जा रहा है और वो डायरेक्ट जा रहा है। तो इस तरीके से काम करेगा और बहुत ही कमाल का फीचर लगा है यार मुझे। होता यही था कि हम अपने आपकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पिक भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपने स्टेटस डाला वो भी दिख जाएगा, सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला। कमाल का फीचर था, मुझे तो ये फीचर बहुत शानदार लगा यार। हमें कुछ ना कुछ ऐसे नोट्स होते थे यार, हमें लिखना हो कि हमें कल क्या करना है या परसों क्या करना है, तो आदमी नोट्स की जगह इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करता था। तो आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मी योर सेल्फ करके। मुझे तो फीचर अच्छा लगा इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना के बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।